हेलो गाइस, मैं हूँ गौरव और आज का वीडियो होने वाला है मेरे न्यूली परचेस्ड एमटी हमर सीरीज़ के हेलमेट के बारे में। तो आप देख सकते हो उसका बॉक्स, यहाँ पे लिखा है डिज़ाइन टू प्रोटेक्ट mthelmets.com। ऊपर आपको एमटी का लोगो मिलता है और साइड पर देखे ये साइड, तो यहाँ पे प्राइजिंग दी हुई है जो है 5250। लेकिन ये मैंने 5000 रुपीज़ में परचेस किया है। तो ओपन करते हैं बॉक्स को। ये हेलमेट ऑलरेडी मैंने 1 वीक यूज़ किया है। तो कुछ इस तरह से आपको हेलमेट का बैग मिलता है, वो मैं आपको थोड़ी देर में दिखाता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं मैनुअल की। तो ये मैनुअल है और यहाँ पे 2 छोटे स्पॉयलर्स दिए हुए हैं, ये भी मैं आपको थोड़ी देर में दिखाता हूँ। तो कुछ इस तरह से इसकी हेलमेट बैग है। हेलमेट बैग की क्वालिटी जो काफ़ी अच्छी है। यहाँ पर आपको नीचे लॉक भी मिलता है जिसके थ्रू आप ओपन कर सकते हो इसे प्रेस करने के बाद। और इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। यहाँ पर ऊपर आपको एमटी का लोगो मिलता है और यहाँ पर डिज़ाइन टू प्रोटेक्ट आप देख सकते हो। तो ये है मेरा एमटी का हमर हेलमेट, आप देख सकते हो। अब ग्राफिक्स पहले देख लो, ग्राफिक्स इसके बहुत अच्छे हैं और ग्राफिक्स की जो क्वालिटी है वो भी बहुत अच्छी है। मैट फिनिश है ये और आपको हाथ लगाने पर ही पता चलेगा कि कितनी अच्छी क्वालिटी दी है। और ऊपर आप बात करें तो है, यहाँ पे आपको 2 वेंट्स मिलते हैं, एयर वेंट्स, यहाँ पे 1 और 2, यहाँ पे 2 एयर वेंट्स आपको मिलते हैं। और नीचे आपको नोज़ पे बड़ा सा एयर वेंट आपको मिलेगा जिसकी भी क्वालिटी बहुत अच्छी है। आप आवाज़ सुन सकते हो, तो क्वालिटी आपको बहुत अच्छी मिलती है। यहाँ पे एमटी का लोगो। और लाइनिंग की बात करें तो ये जो लाइन है ये रिफ्लेक्टिव है, अंधेरे में ग्लो होती है। और यहाँ पे आपको चीन कर्टन भी मिलता है। इसका एक नेगेटिव मुझे लगा कि यहाँ पर आपको डबल डी रिंग स्ट्रैप नहीं मिलता है, यहाँ पे आपको नॉर्मल क्विक रिलीज स्ट्रैप ही मिलेगा, तो एक इसका नेगेटिव लगा मुझे। यहाँ पर स्ट्रैप के लिए भी आपको एक कुशन दिया हुआ है। और ये जो पैडिंग है फुल्ली रिमूवेबल और वॉशेबल है और बहुत सॉफ्ट है पैडिंग, आप देख सकते हो। और रियर की बात करें तो यहाँ पे आपको एक बड़ा सा स्पॉइलर मिलता है, आप देख सकते हो ये बड़ा सा स्पॉइलर। और यहाँ पे नीचे 2 आउटवेंट दिए हुए हैं। पीछे आप देखो एमटी का लोगो, यहाँ पे डॉट सर्टिफिकेशन, ईसी सर्टिफिकेशन और आईएसआई सर्टिफिकेशन, तीनों सर्टिफिकेशन आपको मिलते हैं। और यहाँ पर वेट, तो इसका सबसे बड़ा पॉजिटिव जिसकी वजह से मैंने ये हेलमेट परचेस किया वो ये है कि इसका वेट 1450 ग्राम्स का आपको वेट मिलता है यहाँ पे। तो ये बहुत लाइट हेलमेट है, तो ये इसका पॉजिटिव है। और ये जो सिंगल पीस यूनिट है स्पॉयलर का, इसे आप निकाल सकते हो। और इसे निकालने के बाद यहाँ पर आपको 2 छोटे स्पॉयलर्स भी दिए हुए हैं, ये भी आप लगा सकते हो। तो क्लिप यूनिट है, ये देखो ये क्लिप है, तो आपको सिंपली फिट करना है, तो आप ये भी लगा सकते हो अगर आपको ये बड़ा नहीं चाहिए तो। और एक बात, इसका जो वाइज़र है ये स्क्रैच रेजिस्टेंट वाइज़र है और ये पिन लॉक रेडी वाइज़र है। आप इसमें पिन लॉक सिस्टम लगा सकते हो जिससे विंटर सीजन में आपका जो वाइज़र है वो फॉग नहीं होगा। और ये 5 स्टेप्स में ओपन होता है, देखो ये 5 स्टेप्स में ओपन होता है। और इसका और एक फीचर मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पे ये इतना बंद होने के बाद ये लॉक होता है, आप सुनिए। तो अभी ये लॉक हो गया, मतलब हाई स्पीड पर भी ये आवाज़ नहीं करेगा और खुलेगा भी नहीं, तो एक अच्छी बात है। और एक इसका पॉजिटिव जिसके वजह से मैंने ये हेलमेट लिया, तो ये जो हेलमेट है ये मैंने 3 रीजंस की वजह से परचेस किया। फर्स्ट रीज़न है इसकी सेफ्टी, आप देख सकते हो यहाँ पे डॉट सर्टिफिकेशन, ईसी सर्टिफिकेशन और आईएसआई सर्टिफिकेशन भी मिल रहा है, तो तीनों सर्टिफिकेशन आपको मिल रहे हैं, तो फर्स्ट रीज़न ये है। सेकेंड रीज़न की बात करें तो सेकेंड रीज़न इसका वेट है, आप देख सकते हो 1450 ग्राम्स है, मतलब बहुत लाइट हेलमेट है और इससे कोई नेक वगैरह पेन नहीं होती आपकी, तो ये एक अच्छी बात लगी मुझे। और थर्ड रीज़न जो था मेरा इसे परचेस करने का वो था एयर फ्लो, आप देख सकते हो यहाँ पे आपको 2 वेंट्स मिलते हैं एयर फ्लो के लिए। लेकिन सबसे अच्छी बात मुझे जो लगी इस हेलमेट की वो ये है कि, तो अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे डायरेक्ट होल्स दिए हुए हैं एयर फ्लो के लिए, आप देख सकते हो यहाँ पर डायरेक्ट होल्स दिए हुए हैं एयर फ्लो के लिए। नॉर्मली हेलमेट्स में क्या होता है, यहाँ पर भी एक कपड़ा रहता है सॉफ्ट जिसके वजह से एयर फ्लो जो है वो रेस्ट्रिक्ट हो जाता है, लेकिन यहाँ पे देख सकते हो डायरेक्ट होल्स दिए हुए हैं। तो ये मेरा थर्ड मेन रीज़न था इस हेलमेट को परचेस करने के लिए, यहाँ पर भी होल्स दिए हुए और यहाँ पर भी पीछे आउटलेट्स के लिए डायरेक्ट होल्स दिए हुए। ये सॉफ्ट कुशन है और यहाँ पर डायरेक्ट आप देख सकते हो एयर फ्लो के लिए होल्स दिए हुए। तो ये 3 मेन रीजंस थे मेरे इस हेलमेट को परचेस करने के लिए। तो इसके पहले मेरे पास SMK का ट्विस्टर सीरीज़ का हेलमेट था, लेकिन उसका जो वेट था वो 1650 ग्राम्स का था। तो 1650 ग्राम्स इतने वेट की वजह से मेरी जो नेक है वो बहुत पेन होती थी वो पहनने के बाद। और एक बात, उसमें जो है वो ड्यूअल वाइजर मैकेनिज्म था, मतलब यहाँ पर अगर मैं स्विच ये करूँ
फॉरवर्ड करो तो यहाँ पे अंदर ग्लेज गिरते थे अंदर से, तो उसके वजह से, उसके मैकेनिज्म के वजह से भी वेट जो है वो बहुत बढ़ जाता है। और तीसरी बात, मैंने जैसे आपको यहाँ पर दिखाया कि ये जो एयर फ्लो है ये डायरेक्ट दिया हुआ है होल्स, तो SMK के ट्विस्टर हेलमेट में यहाँ पर जो है, यहाँ पर भी एक कुशन आता था जो कि एयर फ्लो जो है वो बहुत रिस्ट्रिक्ट करता था, और अंदर जो है बहुत सारा पसीना आता था बालों में, तो वो भी एक उसका नेगेटिव था। तो इसकी वजह से मैंने हेलमेट चूज़ करते वक्त ये सब देख के लिया। और मुझे अगर ये हेलमेट नहीं मिलता MT का हमर सीरीज़ का हेलमेट, तो मैं XOR का एपेक सीरीज़ का हेलमेट लेने वाला था। उसमें आपको यहाँ पे और यहाँ पे ऐसे दो वेंट्स मिलते हैं, लेकिन उसका भी एक नेगेटिव मुझे लगा कि उसका भी वेट जो है वो 1600 ग्राम्स के आसपास कुछ है, और उसमें भी आपको वो ड्यूल वाइजर मैकेनिज्म मिलता है जो कि मैं बहुत यूज़ नहीं करता वो मैकेनिज्म को। आप हार्डली उसे 1 या 2 मंथ्स यूज़ करोगे, उसके बाद आप उसे भूल जाते हो, तो कोई उसे यूज़ नहीं करता और उसकी वजह से जो है वो वेट बढ़ जाता है। लेकिन अगर मुझे ये हेलमेट नहीं मिलता तो मैं XOR का एपेक्स हेलमेट ले लेता। लेकिन उसकी जो क्वालिटी है वो भी मुझे बहुत अच्छी लगी, इसकी जितनी अच्छी उसकी क्वालिटी लगी मुझे, SMK से थोड़ी ऊपर क्वालिटी लगी मुझे XOR की। तो यही था मेरा आज का वीडियो MT के हमर सीरीज़ के हेलमेट के बारे में। इसकी जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है, एयर फ्लो भी बहुत अच्छा है, इसका वेट भी कम है, तो ये एक बात मुझे अच्छी लगी। और इसमें आपको सारे सर्टिफिकेशंस मिल जाते तो वो भी बात अच्छी है। लेकिन आपको यहाँ पे डबल डी रिंग स्ट्रैप नहीं मिलता है, आपको यहाँ पे क्विक रिलीज स्ट्रैप मिलता है, लेकिन वो कोई इशू होने वाला नहीं है सेफ्टी के हिसाब से, ये भी अच्छा ही है। और ये हेलमेट मैंने 5000 रुपीज़ का परचेस किया, इसकी जो ओरिजिनल प्राइस है वो है 5250। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे आप नीचे कमेंट में भी पूछ सकते हो या मुझे इंस्टाग्राम पर भी DM कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर।